बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में सोमवार को होली के दिन आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में वीरेंद्र सिंह उर्फ बीरू, रणविजय सिंह और राणा प्रताप सिंह का नाम शामिल है। बता दें कि घटना के तुरंत बाद ही रणविजय सिंह और राणा प्रताप सिंह की मौत हो गई थी, जबकि वीरेंद्र सिंह उर्फ बीरू की मौत इलाज के दौरान हो गई है। बाकी घायलों का इलाज गंभीर हालात में जारी है, जिसमें सबसे अधिक गंभीर हालात मनोज सिंह की है, जिसके गले में गोली फंसी हुई है। इसके अलावा रुद्रनाथ सिंह और अमरिंदर कुमार सिंह को भी गोली लगी है। अमरिंदर सिंह को 6 गोली मारी गई है। अरे मेरे भाई की दुकान पे वो लोग आया, परवीन झा, नवीन झा, भोला सिंह, शिवेश्वर भारती और 10-20 लड़का आया, 15-16 गाड़ी लेकर। बोला, हम बोले तो झगड़ा क्या जरूरी है, जाओ अपने अपने घर। इतना ही में वो लोग बोला, नहीं हम लोग जाएंगे आगे। हम कहे ठीक है जाओ। इतना ही में गोली चलाने लगा, इतना ही बात पे गोली चलाने लगा। कितनी गोली चली है? हमको लगता है 25-30 गोली चली। आपको कितनी गोली लगी है? हमको 5-6 गोली लगी है। देखते हैं, देखिए। आपकी स्थिति कैसी है अभी? पुर्जा आपका पुर्जा नहीं कटा है? बेनीपट्टी थाना जिला मधुबनी, सुबह सुबह परवीन झा, भोला सिंह, उनके बजरंग दल के पूरे कमेटी आए हुए थे हमारे दुकान पे। आए गुटखा खाए, बोले पैसा के लिए, बोले भाई तुम कौन होता पैसा मांगने वाले। हम बोले भाई ठीक है तुम जा। बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो कुछ करके जाऊंगा। इसी में होते होते हो गया गोलाबारी। हमारे दिशा हैं, किसने गोली चलाई? भोला सिंह, परवीन झा उनका भाई था, और सरोज सिंह पुआम गांव, भोला का पापा। किस थाना क्षेत्र का मामला? बेनीपट्टी का। कितनी राउंड फायरिंग हुई? वो 20-25 राउंड हुआ। एक जो आदमी है वहाँ, 4-5 और घायल है, वो आ रहे हैं अभी। जो यहाँ पे दो है, दोनों को कितनी कितनी गोली लगी है? एक को तो लगा है एक गोली, उनको लगा है 6 गोली। 6 गोली लगा। अच्छा, ये लोग किस दल से थे आप बता रहे थे? हम लोग अब कोई दल से नहीं थे। वो जो लोग हमला किए यहाँ पे जी, वो दल सब बजरंग दल वहाँ का है ही, खचरा। अच्छा अच्छा जी। तो ये जो दो आदमी, उसके आप कौन हुए? हम इनका भाई है। ये घटना, चाचा का लड़का, ये हमारा अपना भाई है। ये घटना आपके आंखों के सामने हुई जी? किस थाना का मामला? बेनीपट्टी थाना महमदपुर गांव। गोली 25 राउंड चली थी जी। बताइए, ये घायल अभी तो मैं इमरजेंसी में इनको लाया, लेकिन 5-6 लोग घायल हुए हैं, और उसमें एक दो स्पॉट डेथ भी लग रहे हैं। स्पॉट डेड है जी? कितने? वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं अभी बात नहीं किया हूँ घर पे। फोन उन लाया नहीं, मैं कुछ नहीं लाया, ऐसे ही दौड़ के। अभी कहाँ जा रहे हैं लोगों को लेकर? इन लोगों के लेके जा रहे हैं हम पटना, और बेनीपट्टी, मधुबनी और दरभंगा में सरकार ने ऐसा कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं खोला है जो तत्काल में कोई मरीज को इलाज किया। यहाँ क्या बोला DMCH? यहाँ बोला सीधा जाइए पटना, यहाँ होगा नहीं, आधा एक घंटा खटवाई कर लगाएंगे दवाई, फिर आपको हम रेफर पटना ही करेंगे। तो हम लोग पटना जा रहे हैं। आपका नाम? सूर्य नारायण सिंह। Thank you.
भैया। इधर घटना को लेकर गांव में तनाव कायम है। देर शाम एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना करने के बाद भरोसा दिलाया कि दोषियों की गिरफ्तारी होगी और न्याय मिलेगा। हाँ, बात हो गई है सर, अभी लेकर थाना प्रभारी से बात हुई है, तो वो बोला है कि वहाँ सर को देने की जरूरत नहीं है, द्वारा तो मेरे ही करके डीएम सर को दरभंगा और मेरा द्वारा करके भेज रहा हूँ। कुछ ऐसा विवाद था या बहुत लंबा दुश्मन, उसको ऐसा होगा ना? मछली लेके तो संजय के साथ हुआ था सर, उसका भी पैर काट दिया। इसके बाद तो फिर उसको तो क्या नहीं, आप लोग भेज दिए जेल में, अभी तक तो जेल में। अच्छा, इन लोगों के साथ तो कोई घटना भी हुआ नहीं था, तो फिर इन लोगों को मार दिया हाथ का नीचा कर। ये हमारे गाँव में इतना आदमी क्या बोले सर, इससे होगा जो यहाँ हमेशा खरजंत रच के हमारे परिवार के साथ ऐसा घटना बहुत दिनों से चल रहा था, मौका नहीं मिलता। मोहम्मदपुर में जो है आज यहाँ स्थानीय विवाद को लेकर के, खास करके पोखर मछली मारने के पूर्व विवाद था और कुछ वर्चस्व के विवाद को लेकर के आज यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें लगभग 8 राउंड फायरिंग हुआ है। जी, 2 व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हुए है, एक व्यक्ति अभी पारस में उसमें क्रिटिकल कंडीशन में है और 1-2 अन्य घायल है। सर, ये किन लोगों का ये ऐसा कुछ पुलिस क्या अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है? हम लोग का इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगा इसको हम लोग तुरंत तक सामने लाएंगे। इसके लिए टीम भी सर गठन है, इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है एसडीपीओ सदर एसडीपीओ बेनीपट्टी है, उनके नेतृत्व में 4 थाने और एक सर्कल इंस्पेक्टर सबको लगाया गया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट की टीम वो यहाँ पर रहेगी और इसको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तारी।